are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। शांघाई क्लियरिंग हाउस ने डिजिटल युआन सेटलमेंट के लिए सपोर्ट की शुरुआत की। रेगुलेटरी प्रेशर्स के बीच बायरन्स बीएनबी ने इस महीने 10 बिलियन से अधिक का काम किया। ऐप स्टोर के डैमेज को हटाए जाने पर कॉइनबेस सीईओ के एप्पल्स की क्रिटिसिज्म की। सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशंस ने सिंगापुर वेब 3 कंपनी स्टार्टअप लैब्स में 3.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया। यूके को क्रिप्टो की कोलेट्रल्स के रूप में यूज करने के लिए स्पेशल लीगल फ्रेमवर्क की नीड है। वॉयजर को अप्रैल के लिए 1.1 मिलियन डॉलर्स लीगल फी का पेमेंट करना होगा। एफटीएक्स ने एआई स्टार्टअप्स एंट्रोपिक में 500 मिलियन डॉलर्स इक्विटी के सेल्स रोक। इसराइल ने इराक बैक टेररिस्ट ग्रुप ने क्रिप्टो में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जब्त किए। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के दोबारा शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स से बातचीत शुरू। ब्लेंड ने मई में 365 मिलियन डॉलर से अधिक की लोन अमाउंट अर्न की। स्विस नेशनल बैंक सीबीडीसी की टेस्टिंग करेगा। निवेदा रेगुलेटर की प्राइम ट्रस्ट डिस्ट्रेस्टेड कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए पिटिशन दर्ज की। एशिया के पहले काउंटर पार्टी क्लियरिंग इंस्टीट्यूट शांघाई क्लियरिंग हाउस ने मंडे को डिजिटल युआन से किए गए पेमेंट के लिए सपोर्ट की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस कदम के कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट्स में डिजिटल युआन चाइनीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देते हुए बल्कि कमोडिटीज के ट्रांजेक्शन का डिस्पोजल करने की परमिशन मिलेगी। बेनवी को एक बड़ा झटका लगा और उसके मार्केट वैल्यू में 10 बिलियन डॉलर्स का हार्म हुआ है। एसएससी के एक्सचेंज के खिलाफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की ऑफर का एलिगेशंस लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। बीएनबी की करंट मार्केट वैल्यू में 37 बिलियन डॉलर्स है, जो 110 बिलियन डॉलर्स के पीक से नीचे है। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने डैमेज की अपनी शेल्फ से हटाने के लिए एप्पल की क्रिटिसिज्म की है। वह इसे यूजर्स के लिए ऑफेंसिव मानते हैं और डैमेज की इमेज डिस्ट्रॉय कहते हैं। इस ओपन सोशल ऐप के फाउंडर्स ने अपील करने की कसम खाई है, क्योंकि एप्पल के रूल्स का अब्यूज और गलत तरीके से लागू किया गया है। सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशंस के प्रोग्राम का टारगेट यह पता लगाना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनके इंडस्ट्री में वेरियस प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकती है। कॉइनडेस्क ने उस समय रिपोर्ट की थी। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस द्वारा फंडेड एक लॉ कमीशन ने वेडनेसडे की रिपोर्ट में कहा कि यूके की क्रिप्टो को कोलेट्रल्स के रूप में यूज करने के लिए एक कस्टम डिजाइन करनी चाहिए। कमीशन के कॉइनडेस ने बताया कि इस तरह गवर्नमेंट का स्कोप ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए कोलेट्रल अरेंजमेंट्स के लिए करंट यूके रेगुलेशन से आगे बढ़ जाएगा। लॉ फर्म किर्कलैंड एंड एलिस ने अप्रैल में क्रिप्टो लेंडर्स ने बैंकरप्सीज केसेस पर किए गए काम के लिए वॉयजर डिजिटल्स में 1.1 मिलियन डॉलर्स की लीगल फीस ली। फर्म के सब कुछ सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी पार्टनर्स पर अपने काम के लिए प्रति घंटे 2000 डॉलर्स से अधिक चार्ज कर रहे हैं, जबकि कुछ ने महीने के लिए फीस के रूप में हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का बिल दिया है। 28 जून को यह बताया गया कि एफटीएक्स के कंसल्टेंट के रूप में वर्क करने वाले इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस महीने बिडर्स को सेल सस्पेंशन के बारे में इन्फॉर्म किया। पिछले कुछ महीनों में कई इंटरेस्टेड बायर्स ने एंट्रोपिक स्टेक के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट एंड इवेल्युएशन किया है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पेरेला विनबर्ग पार्टनर्स ने एलेज्ड पोटेंशियल बिडर्स को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहा। इसराइल हायम के अनुसार इजरायली गवर्नमेंट ने ईरानियन आर्मी एंड लेबनान में ईरान बैक्ड हिज़्बुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड वॉलेट में लाखों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली है।